आज चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंगला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य सुरेश ठाकुर ने की। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें चंबियाली पंजाबी गिद्दा और पंजाबी भांगड़ा प्रमुख रहे। इसके बाद प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष भर में अव्वल प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। आज 4 फरवरी 2023 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंगला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें लगभग जितने भी हमारे कम्प्लेक्स के स्कूल हैं उनके इंचार्जेस शामिल थे, बच्चों के अभिभावक इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें हमारे जो बच्चे हैं मार्च में उनके एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए हमने इस फंक्शन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, क्योंकि समय कम था, पढ़ाई बाधित हो रही थी, इसलिए हमने 2-4 दिन के अंदर तैयारी करके इसको शॉर्ट में ही हमने इसको पूरा करने की कोशिश की है। इस पारितोषिक वितरण में हमने बच्चों को, जो बच्चे लास्ट ईयर जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे मार्च में 2021 और 22 में, उसमें जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे आए थे उनको सम्मानित किया है बच्चों को। और इस साल के जो 2022-23 के बच्चे हैं जिन्होंने अटेंडेंस में फर्स्ट स्थान हासिल किया था उनको सम्मानित किया गया। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो पूरे वर्ष भर उन्होंने हाउस के रूप में काम किया था तो उनको पारितोषिक दिया गया। लगभग जितने भी बच्चे थे खेल कूद प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने भाग लिया था उनको सम्मानित किया गया। और पूरे साल की जो हमारी गतिविधियाँ होती है स्कूल की, उसमें जिन बच्चों ने भाग लिया था, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे थे, वैसे तो हम लोगों ने शुरू में ये तय किया कि हर वर्ष जो है हम लगभग मार्च से लेकर के जैसे हमारा सेशन शुरू होता है उससे लेकर के वर्ष के अंत तक लगभग दिसंबर तक लेते हैं। दिसंबर तक हमने बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में भी उनको हाउस वाइज इनाम देते रहते हैं, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो हाउस कंपटीशन हो, चाहे वो मॉर्निंग असेंबली की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। कंक्लूजन में इसमें जितने भी बच्चों ने साल भर मेहनत की उनको पारितोषिक दिया गया। और अभिभावकों का भी बहुत अच्छा योगदान रहा इसमें, सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष जो है वो और हर स्कूलों में जो है वो ये पारितोषिक वितरण समारोह किया जाता है। एक सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू की गई है और हम लोग इसमें बच्चों को और प्रोत्साहित करते हैं। और जिन बच्चों को इनाम मिलते हैं वो तो खुश होते ही हैं और दूसरे बच्चे जो हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी अगले वर्ष जो है वो इनाम हासिल करें, हम भी मेहनत करें। तो ये बच्चों का पूरे साल का योगदान होता है। और इसमें हम लोग अध्यापक लोग जो हैं वो सभी जिन अध्यापकों ने मेहनत की है इसमें उन अध्यापकों को भी पारितोषिक किया गया, उनको भी सम्मानित किया गया, क्योंकि अध्यापक के पास और तो कोई ऐसा जरिया नहीं है जहां उनको इतना बड़ा इनाम मिले, क्योंकि हर एक अध्यापक को इनाम भी नहीं मिल सकता और सरकार उनको सम्मानित भी नहीं कर सकती। लेकिन हमने स्कूल स्तर पर यह तय किया था कि जिन अध्यापकों ने पूरे साल भर मेहनत की है तो उनको एक प्रधानाचार्य द्वारा उन अध्यापकों को सम्मानित किया जाए। तो एक प्रक्रिया हमने शुरू की है, हालांकि हर स्कूल में ही है, ये मात्र मंगला स्कूल में ही नहीं है, हर स्कूल में है। और एक अच्छी प्रक्रिया वैसी होनी चाहिए से उन अध्यापकों को जो मेहनत करते हैं अध्यापक उनको और भी प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।